बुलंदशहर डीएम अभय सिंह ने गांधी बालिका आवासीय विद्यालय पर छापा मारा, जिससे हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान डीएम को कई खामियां मिली, जिसके बाद डीएम ने वार्डन को जमकर लताड़ा। यदि ठीक नहीं होता तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, किस किस तरह की खामियां देखने को मिली? इसमें यहाँ बेडशीट्स पुराने हैं, इसमें कूलर नहीं लगा है, गर्मी का सीजन स्टार्ट हो गया, आरओ स्टार्ट नहीं है, बहुत बेसिक समस्या है और सारी आधारभूत सुविधाओं में बहुत कमी है। इसके लिए विभाग के जो ABSA हो, BSA हो, सबका स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाएगा, कार्रवाई किया जाएगा। शिक्षा का स्तर कैसा सर पाया गया? शिक्षा स्तर कम पाया गया, बहुत कम पाया गया, और उसको सुधार की आवश्यकता है। अब इसे मैं पर्सनली मॉनिटर करूंगा और बच्चों को अलग से बुला के खुद से इनसे पूछूंगा और देखूंगा कि इनकी शिक्षा में आशातीत प्रगति हो। क्या मानते हैं सर, इस तरह के शिक्षक क्या देश के भविष्य को उज्ज्वल बना पाएंगे, जहां एजुकेशन टेस्ट में बच्चे फेल हो रहे हैं? नहीं, अब इसीलिए अब इसको सुधारना है। अब यही लक्ष्य है जिला प्रशासन का कि अब इस बार इसको जितनी गुणवत्ता है, न केवल यहाँ की आधारभूत फैसिलिटीज अच्छी हो, बल्कि हमारी शिक्षा का स्तर किसी भी बड़े कॉलेज से, बड़े स्कूल से कम ना हो, उनसे बेटर ही। तो किस तरह की कार्रवाई अभी तक की जा रही है? इसमें कार्रवाई करेंगे, इसमें जो इसमें संबंधित दोषी होंगे उस पर कार्रवाई किया जाए। सर, आपने अभी बाथरूम का भी निरीक्षण किया, वहाँ बल्ब नहीं थे, चादरें फटी हुई थी, क्या चीज़ देखा सर? नहीं, ये सब पूरा देखा। इसमें जो भौतिक वाली इसमें सुविधाएं हैं, जिसमें मैंने बता दिया ना, आधारभूत मूल सुविधाओं में बहुत कमी है, उन सभी को ठीक भी कराया जाएगा और उस पर कार्रवाई भी कराएंगे। आपने सर टॉयलेट देख रहा, वहाँ पानी बह रहा था, तो क्या इसको लापरवाही मानते हैं जल का? नहीं, इस पर कार्रवाई कराएंगे। आधारभूत मूलभूत सुविधाओं में वो सब चीज़ कवर हो जा रहा है, वो सभी चीज़ होता है ना उसमें, पानी हुआ, ये हुआ, आपका बेडशीट हुआ, आपके हवा का संचरण वाली चीज़ें हुई, सब चीज़ उसमें। थैंक यू सर। उसमें जो कभी बहुत कमियां पाई हैं, सब ठीक भी कराएंगे और कार्रवाई भी कराएंगे। सुरक्षा को लेकर जो है, या सुरक्षा के इंतजाम जो है, गार्ड है, उसको दिखवा लेंगे आगे, बाकी इसके बाद गार्ड दिखवाएंगे। अच्छा, हाँ, इसके बाद अगर देखेंगे जहां हमको मिल जाएगा चुनाव बाद, क्योंकि अभी तो सब हमारे गए हुए, हमारे आधी फोर्स ही, हमारी आधी एक दसवीं फोर्स है मेरे पास। जी, इसके बाद मैं कराता हूँ।